नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का 7th लेक्चर, जो डिस्काउंट सीरीज का दूसरा लेक्चर है, इसमें डिस्काउंट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए, कभी कभी आपको अक्सर ये दे देता है ये कैलकुलेट करने के लिए कि कैलकुलेट सक्सेसिव डिस्काउंट्स। सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता क्या है पहले ये देखिए। आपको टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा डिस्काउंट्स गिवन होता है और आपसे बोलता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, ऑन एन आर्टिकल इफ द डिस्काउंट्स आर 20% एंड 10%, दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% एंड 10%। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब कि ये दो अलग अलग डिस्काउंट ना देकर अगर सिंगल डिस्काउंट देना हो तो इन दोनों के इक्विवेलेंट वो डिस्काउंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का, सक्सेसिव डिस्काउंट्स निकालने का दो मेथड मैं सिखाऊंगा। दोनों में से आपको जो इजी लगता है, जो आसान लगता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहला मेथड, जो परसेंटेज में जो हमने आपको फॉर्मूला एक बताया है कि इट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। डिस्काउंट है तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, वैल्यू लीजिए -20 -10 एंड माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स प्लस 20 इंटू 10 बाई 100। सॉल्व कर लीजिए, 20 30, इट इज -30, 1 0 2 0, 100 कैंसिल, 2 1 2 प्लस 2, राइट। तो यहां पर ये वैल्यू मिल गया। अब ये -30 प्लस 2 वैल्यू -28। नेगेटिव का मतलब डिस्काउंट, दिस इंप्लाइज दैट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज 28%। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है, डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट, 28%। अगर कोई भी दो सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। अब आप जैसे देखिए, अगर दो अलग वैल्यूज हम ले लें इन्हीं में आपको लगता है, तो इसका अगर मान लीजिए हम दो अलग वैल्यूज ले लेते हैं, सपोज एक डिस्काउंट है 40%, दिस इज द फर्स्ट डिस्काउंट, एंड सेकेंड डिस्काउंट आपको दे दिया गया 30%। आपसे बोला गया कि आप इन दोनों का बताइए कि सक्सेसिव डिस्काउंट मींस इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपसे पूछा, बताइए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो लगातार छूट आपका है 40% और 30%, आपसे पूछा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो आपने बोला भाई कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। वैल्यू पुट करो, पहला डिस्काउंट 40 है तो -40, दूसरा 30 है तो -30। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों डिस्काउंट हैं। हमने बोला वैल्यू रिड्यूस हो, लॉस हो, ठीक है, या डिस्काउंट हो तो वैल्यू उसको नेगेटिव, इंक्रीज की गई हो, प्रॉफिट हो, तो वहां पर क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। ये दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस होगा। वैल्यू लिखेंगे 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कैंसिल, 40 और 30 कितना हो गया, -70 हो गया, और यहां पर 4 3 12 यानी कि +12 हो गया। तो ये क्या हुआ कि 7 -70 +12, तो 70 में से 12 को माइनस करेंगे, भाई ये माइनस वाली ज्यादा प्लस वाला कम है, माइनस करो तो 70 -10 60, और 2 और माइनस कर दिया तो -58। इसका मतलब कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो गया, 58% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ। ठीक है, आप समझ आया। इसीलिए देखिए, जब भी कभी आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है बड़ा बड़ा कि 40% प्लस 30% ऑफ। आपको क्या लगता है, आप जोड़ते हो कि 40 + 30 70% ऑफ, लेकिन एग्जैक्ट में वो कितना आपको ऑफ दे रहा, 58%। समझ आया बात को। ठीक है, अब ये तो हुआ एक तरीका डिस्काउंट निकालने का, यही डिस्काउंट का दूसरा तरीका देख लीजिए कैसे निकालेंगे। ठीक, अब आप देखिए, हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, किसी वैल्यू पर निकाल रहे हैं ना, तो अब वो वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, यानी कि क्या है ये है एमआरपी कुछ होगा, एमआरपी पर डिस्काउंट्स के बाद में सेलिंग प्राइस होगा। ये एक डिस्काउंट हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया, तीसरा डिस्काउंट हो गया, ऐसे जितने भी डिस्काउंट है, एमआरपी को आप मान लीजिए 100 और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन कैसे होता है, 100 लिखते हैं, पहला डिस्काउंट 40% है तो 100 - 40 कितना मिलेगा, देखिए पहले मैं ऐसे लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए इसको, कि 100 - फर्स्ट डिस्काउंट यानी कि 40/100 इंटू 100 - दूसरा डिस्काउंट बाई 100। अगर तीसरा होता तो इंटू 100 - थर्ड डिस्काउंट, मान लो यहीं पर एक और दे दिया
इट्स थर्ड डिस्काउंट इज 20%, तो यहीं पर हम क्या कर लेते, 100 माइनस 20 बाई 100, ये टोटल जो भी वैल्यू आएगी 100 में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये पूरा वैल्यू निकालने के बाद किस में से माइनस कर देंगे, 100 में से, वो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, 100 माइनस 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इसकी जगह पे आप देखो क्या लिखोगे, 60, हम मिटा के लिख दे रहे हैं यहीं पर, 100 माइनस 40 60 हो गया, 100 माइनस 30 क्या हुआ, 70 हो गया, 100 माइनस 20 80 हो गया। अब देखिए, 1 2 0 ये 100 चला गया, 1 0 ये 1 0 चला गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 8 7 जा 56 और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 माइनस 6 6 जा 36 कैरी हो गया 3, 6 5 जा 30 प्लस 3 यानी कि 33 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 33.6, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपका क्या हुआ, 100 माइनस 33.6, तो 100 माइनस 30 70 हुआ, 70 में से 3 माइनस हुआ क्या हो गया 67, उसमें से भी 0.6 हो गया, यानी कि 66.4% डिस्काउंट हुआ। जो डिस्काउंट आपको 40 प्लस 30 प्लस 20 यानी कि जो आपको 90% दिख रहा था अलग अलग, वो 90% नहीं है, वो एक्चुअल में कितना है, 66.4% डिस्काउंट है, ठीक है। अगर दो होते तो आप दो तक में ही कैलकुलेट करके 100 में से वो वैल्यू माइनस कर देते, ये आपको मिल जाता, ठीक। तो ये हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कैलकुलेशन। देखिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये दे दिया जाए कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, एक डिस्काउंट है 20% एंड सेकेंड डिस्काउंट है 25%, ठीक। आपसे पूछा इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, क्या बताइए भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, तो आप फिर से वही कर लीजिए, वैल्यू को क्या ले लीजिए, 100 माइनस 100 एमआरपी ले लीजिए, 100 माइनस पहला डिस्काउंट यानी 80 बाई 100 इंटू 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट यानी कि 75 बाई 100 और इसी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 25 3 जा 25 4 जा हो गया, 4 20 टाइम्स 23 जा 60 हो गया, तो 100 माइनस 60 या फिर इसी को एग्जैक्टली क्या बोल दो, डिस्काउंट इज 40%। जो आपको 20 प्लस 25 45 दिख रहा था वो एक्चुअल में क्या है, 40% डिस्काउंट है, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, ठीक है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और एक तरह का आता, आइए देखते हैं वो क्या है, वो कैसे है, वो क्वेश्चन देखिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अ फैंस लिस्ट लिस्टेड एट 1500 रुपीज एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर टू ब्रिंग द नेट प्राइस एट ₹1104। इसका मतलब पहले क्या है, पहले आप इसको समझिए। देखिए क्या है, लिस्टेड प्राइस का मतलब हमने आपको बोला कि होता है एमआरपी, क्या होता है एमआरपी, एमआरपी आपको दे रखा है ₹1500 और फाइनली सेलिंग प्राइस जो वो चाहता है, वो चाहता है 1104 रुपीज, ठीक है। अब इसके बीच में वो दो डिस्काउंट की बात कर रहा है, एक की वैल्यू आपको दे रखा है, पहला डिस्काउंट परसेंटेज है 20% और आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड डिस्काउंट क्या होगा, राइट। इस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक डिस्काउंट गिवन हो, दूसरा डिस्काउंट निकालना हो, एमआरपी गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो, ठीक है, या सेलिंग प्राइस गिवन हो और दोनों डिस्काउंट गिवन हो, एमआरपी निकालना हो, कुछ भी, इन चारों में से कुछ भी अगर आपको मालूम है और एक दूसरा निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो सीधा सीधा इस एमआरपी पर ये डिस्काउंट अप्लाई कर दो और देखो वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। क्या है, 1500 में 20% डिस्काउंट है यानी कि 80 बाई 100 कर दो, तो 00 00 यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक। 15 8 जा होता है 120 और 10 और हो गया, मीन्स कि क्या हो गया, पहले डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बन रही है वो हो रही है ₹1200 1200 रुपीज और फाइनल प्राइस वो चाह रहा है 1104। इट मीन्स इस प्राइस, ये हो गया प्राइस और ये फाइनल प्राइस है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वही डिस्काउंट है। डिफरेंस कितना है, देखो
ये 1200, ये 1104, तो एग्जैक्ट वैल्यू है 96 इसका, और इसका डिफरेंस कितना है 96 रुपीज। ये 96 रुपीज ऑफ हुआ है किस पर, 1200 पर, तो डिवाइडेड बाय 1200 और इसी को बदल दो परसेंटेज में और ये जो वैल्यू आएगी यही होगा दूसरा डिस्काउंट। नहीं समझे, पहले क्या किया, जो एमआरपी हमको गिवन है, ये जो हमारे पास एमआरपी गिवन है इस पर हमने ये पहला डिस्काउंट अप्लाई किया और देखा कि कितना प्राइस होता है, उससे पता चला कि 1200 रुपए। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट द प्राइस इज 1200, हम चाहते हैं 1104, इसका मतलब कुछ डिस्काउंट और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, वही इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस कितना मिला 96, 1200 में से 1104 माइनस कर दो, 96 रुपीज ऑफ करना है, इतना डिस्काउंट और देना है किस प्राइस में, 1200 में, तो बाय 1200 किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इनटू 100%, इसी को सॉल्व कर लिया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 12 8 96 होता है, तो सेकेंड डिस्काउंट इज 8%। ठीक है, एक डिस्काउंट अगर गिवन है दूसरा डिस्काउंट निकालना है तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन, कि देयर आर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35% एंड 10% ऑन अ शर्ट गिवन, देयर आर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस ऑन अ शर्ट, इफ अ मैन पेड दिस रुपीज फॉर इट देन व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है एमआरपी। अब आप देखिए क्या होगा, एमआरपी होगा, दो डिस्काउंट्स गिवन, पहला 35% और दूसरा 10%, इसके बाद वो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको दे रखी है 1170 रुपीज। आपसे पूछा गया व्हाट इज एमआरपी, कितना सिंपल है, क्या चाहिए, राइट की वैल्यू मालूम है, लेफ्ट की निकालनी है, तो डायरेक्टली लिखेंगे एमआरपी इज इक्वल टू जो वैल्यू है आप वो लिखो 1170 इंटू पहला डिस्काउंट, तो 100 डिवाइडेड बाई, राइट से लेफ्ट आएंगे तो प्लस माइनस नीचे लिखना है, तो 100 माइनस 35 मीन 65 इंटू सेकेंड डिस्काउंट 100 माइनस 10 दैट इज 100 बाई 90, और इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखते हैं भाई। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 ये इधर कैंसिल हो गया, क्या ये 9 से कैंसिल आउट होगा, 9 1 जा 9, 2 27, 9 3 जा 27, 13 जा हो गया, 13 5 जा 65 होता है, ठीक है, और 5 2 जा 20 इंटू 100 यानी कि उसकी एमआरपी थी 2000 रुपीज। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी साथ, देखिए अब जैसे यही क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% ऑन द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल, इफ ही अर्न 108 रुपीज ऑन द सेलिंग प्राइस बाय सेलिंग दैट आर्टिकल व्हाट वाज द एमआरपी। क्वेश्चन कहने का मतलब कि कोई एक आर्टिकल की एमआरपी थी कुछ, उसको वो 108 रुपए में सेल करता है, कितने में, ही अर्न 108 रुपीज बाई सेलिंग, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 108, कब, जब उन्होंने दो डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट 20% है और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 10% का है, ये दोनों डिस्काउंट देकर के जब इतने प्राइस में सेल किया तो उसका एमआरपी क्या होगा, वही है राइट की वैल्यू है लेफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल फॉर तरीका, एमआरपी इज इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो, 100 बाई 100 माइनस पहला डिस्काउंट 80, 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट दैट इज 90, सॉल्व करिए 10 20 100 कैंसिल, 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1 जा 9 2 जा 12 हो गया, 4 3 जा 4 2 जा 8 हो गया, 2 5 जा 50 हो गया, 53 जा 150 यानी कि उस आर्टिकल का जो एमआरपी था वो कितना था, 150 था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, उम्मीद है इससे आपको मदद मिलेगी, हमने अपनी तरफ से कोशिश करके डिस्काउंट के सारे लगभग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व डिस्कस किए हैं आपसे। अगर कोई आपको लगता है कि कोई टाइप का क्वेश्चन छूट गया है तो प्लीज कमेंट में आप लिखें हम, या उन क्वेश्चंस को हमें भेजें, हम बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे और उस पर भी वीडियो आपको बनाएंगे। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पर
दिस इज 9026467354। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज मैथ मैजिक, मैथ मैजिक, इस फेसबुक पेज पर भी अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं आप, ठीक है, हम बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।